आशुतोष वर्मा जी, जैसा शलमणि त्रिपाठी जी कह रहे थे, आज जो सदन में आज मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आप लोगों का काम एक तो राजनीतिकरण करना है हर मुद्दे का, और अफवाह फैलाना है, सिर्फ असंतोष की भावना पैदा करना है, इसलिए आप लोग बिना किसी तथ्य के कोई भी बात करने लग जाते हैं। प्राची धन्यवाद। और थोड़ा टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं शरणमणि जी की बात सुन नहीं पाया, लेकिन आज मैंने पूरी सदन की कार्यवाही देखी और आपके सवाल का भी वो समझा। देखिए, मैं हूं या शरणमणि जी हूं या शायद इसमें से मुझे लगता है कि एक दो लोग और जो हैं वो लखनऊ में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और आज की स्थिति ये है उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य की, कि वाकई मैं खुद चिकित्सक भी हूं, डेंगू एक महामारी की तरीके से उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। और प्राची जी, परेशानी यह है कि डेंगू कोई ऐसे एक कोई इलाज तो है नहीं, ये दवा दी और ये ठीक हो जाएगा, ये वायरल वेक्टर जनित बीमारी है। तो इसमें एक विभाग नहीं, कई विभाग शामिल है। पहला विभाग जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, जिसको तो हम लोग बोल ही रहे हैं कि छापा मंत्री से ये तक नहीं देखा जा रहा है कि वहां पे डॉक्टर है कि नहीं है, स्टाफ नर्स है कि नहीं है। पिछले, मैं आपको एक छोटा सा डाटा बताऊं, पिछले 5 सालों से परमानेंट डॉक्टरों की भर्ती सरकार ने रोक रखी है उत्तर प्रदेश में, और ये फैक्ट है, बिल्कुल बता रहा हूं। संविदाओं पे और ठेकेदारी के प्रचलन पे डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है। पिछले 7 सालों में एक भी ऐसा अस्पताल जिसको जिसमें ईंट गारा लगा के भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो वो नाम बता दें। दो स्थिति, ये हालात इतने खराब हैं, और इस डेंगू की बीमारी में दूसरा आता है, ये मच्छर से आता है। तो मच्छर का मतलब निगम, निगम का मतलब स्वास्थ्य, जो निगम वाले होते हैं लखनऊ नगर निगम या और नगर निगम की है, उसकी हालात ये है कि मच्छर आपके आसपास ऐसे मंडरा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कि आप कहीं भी खुले में आप बैठ नहीं सकती, उसमें भी कोई काम नहीं कर रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ कोलैप्स ही नहीं है, धराशायी हो चुका है। और जब हम इसकी बात उठाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री को लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, और राजनीतिक चुटकियां वो लेते हैं। मुझे शर्म आती है जिस व्यक्ति के ऊपर ये तमगा लगा है कि जिसने इंसेफ्लाइटिस की महामारी को खत्म करने में बड़ा बीड़ा उठाया है, वो आज एक संवेदनशील बातों को हंसी में बात करके टाल रहा है। ठीक, उत्तर प्रदेश के लोग और भारतीय जनता पार्टी के सांसद का पुत्र इसलिए खत्म हो गया क्योंकि उसको इलाज नहीं मिल पाया। ये प्रदेश का सबसे बड़ा सूबा है, और यही तो मुख्यमंत्री कह रहे थे जिस डबल इंजन सरकार पर आप लोग हमला बोल रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी, यही तो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, जहां पर ना मजहब देखा जाता है, ना जाति देखी जाती है, ना पंथ देखा जाता है, काम किया जाता है सिर्फ विकास का। देखिए प्राची जी, ये तो भाषण ना जो बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं, ये खुद जानते हैं कि हमारे वहां की विधायिका, हमारे वहां का जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जनप्रतिनिधि, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक सवाल अपने मुख्यमंत्री से पूछ पाए। ये कोई भी नहीं पूछ सकते हैं। असल में परेशानी ये है कि पूरी की पूरी पार्टी, पूरी की पूरी सरकार ब्यूरोक्रेसी द्वारा चलाई जा रही है। वो जैसा समझाते हैं वैसा होता है। रंग बदलो, नाम बदलो, राजनीति करो, लेकिन डेंगू से कोई मर रहा उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, शलमणि त्रिपाठी जी, जवाब दे दीजिए। मुझे बहुत दुख लगता है कि आज जहां सब लोग बैठे हुए हैं वहां पे एक वाइस चांसलर नहीं आ रहे हैं। ठीक, जीएमसी मेडिकल कॉलेज राम मनोहर लोहिया। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। आपने जिन गंभीर विषयों का जिक्र किया है, मैं जवाब ले लेती हूँ। शलमणि त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। आशुतोष जी ने स्पेसिफिकली दो सवाल पूछे, कितने नए कॉलेज खोले, कितने नए अस्पताल खोले। आशुतोष जी, आपको भी पता है 30 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खुले, और मैं जिस देवरिया को रिप्रेजेंट करता हूं, देवरिया में तो भव्य मेडिकल कॉलेज बनकर देखिए, वहां काम शुरू हो चुका है, वहां पे रोजाना हजारों मरीज देखे जा रहे हैं। तो आप इस प्रकार का जब झूठ बोलते हैं तभी यह सवाल उठता है कि राजनीति को आप किस स्तर पर ले जा रहे हैं। 30 नए मेडिकल कॉलेज रिकॉर्ड रचा गया उत्तर प्रदेश में, कि 13 मेडिकल कॉलेज तो एक दिन में मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पित किए। अब आप कहते हैं डॉक्टर्स की बात, 2488 सीटें एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई। क्यों बढ़ाई गई आपको पता है? क्योंकि डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, डॉक्टर्स की कमी है। इसी नाते उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, 2488 एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई गई, 588 आपकी पीजी कोर्स की सीटें बढ़ाई गई। और आप कहते हैं जिसको कि भाड़े पे भर्ती की जा रही है, वो भाड़े पे भर्ती नहीं की जा रही क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है। ऑन कॉल सीधे सीधे भर्तियां दी जा रही है। आपको पता है कि 800 से ज्यादा नए डॉक्टर भर्ती किए गए और ऑन कॉल सीधे इंटरव्यू किया गया, उनको भर्तियां की गई। तो आप ये किसको गुमराह करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। चलिए, आपको मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आपने ये तो कहा कि एक ऐसे मुख्यमंत्री
जिनको इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए माना जाता है। तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि चलिए आप विपक्ष में हो कि आप इस बात को जवाब दे दीजिए। 1935 आशुतोष शर्मा जी छोटा जवाब दीजिएगा क्योंकि दो और अन्य मेहमानों को भी चर्चा में लेकर पांच सेकंड जिस बीमारी को 1935 से कहते थे, 1935 से लोग कहते थे इंसेफ्लाइटिस कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती, उसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खत्म किया। इस बात को आज हमारे विपक्ष के साथी भी मानते हैं। चलिए ठीक है, आप जवाब दीजिए आशुतोष शर्मा जी। हमारे मित्र शलिमणि त्रिपाठी जी को बताना चाहूंगा कि जिस 30 मेडिकल कॉलेज और जिस झूठी बातों को ये बता रहे हैं, वो देश को समझे, वो वहां के जिला अस्पताल को उच्चीकृत अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगाया गया है। मैंने आपसे कहा कोई भी नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं की गई है और ये कंफर्म रिपोर्ट है, इसको आप अपने फैक्ट से चेक कर लीजिएगा। नंबर दो, मैंने कहा स्थायी डॉक्टरों की भर्ती पिछले 6-7 सालों में नहीं है, प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज की रिक्तियां नहीं खोली गई। उसकी वजह है कि आप ठेकेदारी पे आप उठाते हैं, जिससे आपके उन डॉक्टरों को भत्ता दाना देना पड़े, उनको उनको उनकी सैलरी ना पड़े, उनका डीए और टीए ना देना पड़े। क्या जानता नहीं है क्या इस देश की, प्रदेश में किस प्रकार की लूटी लमाई चल रही है? प्रोविंशियल मेडिकल सर्विस की आखिरी भर्ती 2016 की समाजवादी पार्टी की सरकार की निकाली हुई है। ठीक है आशुतोष शर्मा जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि कोई मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हुई है, इसका कोई तो आधार आपके पास होगा, क्योंकि एक जानकारी तो मेरे पास भी है, जहां से मैं खुद आती हूँ बुलंदशहर, वहां पर एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो एक तो जानकारी मेरे पास ही है, अब वो भी झूठ है क्या? फिर बोल रहा हूँ, प्राची जी मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, कोई भी नया मेडिकल कॉलेज पिछले 6 साल में बन के नहीं तैयार हुआ है। आपने स्थापना की बात कही थी सर, आपने स्थापना की बात कही थी सर, एक सेकंड, बस आशुतोष जी बस एक मिनट, मैं बिल्कुल आपके फैक्ट्स को आने दे रही हूँ और मैं उन फैक्ट्स का जवाब भी शलमणि त्रिपाठी जी से ले रही हूँ, लेकिन चूंकि मेडिकल कॉलेज वाली बात थी और दोनों ही आंकड़े दे रहे हैं, इसलिए मुझे आपसे जानना जरूरी था कि कहाँ कहाँ पर आपको ऐसी रिपोर्ट मिल रही है कि सिर्फ जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं लोग, एक उदाहरण तो मेरे पास ही है। सभी उत्तर उत्तर प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत के अपग्रेड करके उसको मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, आप वहां की पता कीजिए जाके, मैं कुछ चिकित्सक को बता सकता हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं। आशुतोष वर्मा जी देखिए, आशुतोष वर्मा जी तस्वीरें तो बोलती हैं और कम से कम वहाँ के लोग तो बोलते हैं, अब वहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है इस बात को तो मैं झुटला नहीं सकती हूँ, जिला अस्पताल पहले से था लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं था और लंबे समय से मांग थी उस क्षेत्र की, वो कम से कम पूरी हो रही है। मैं त्रिपाठी जी आऊंगी आपके पास, दो और अन्य मेहमान उनको चर्चा में ले आऊं।